राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने विदर्भ और मराठवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे के दौरान वे सीधे किसानों के खेत में घर में जाकर किसानों की असली पीड़ा जानने लगे। इस वक्त उन्होंने किसान के घर से सब्जी और रोटी का खाना भी खाया और उन्होंने किसानों का दर्द जानने और उन्हें दिलासा देने के बाद तात्काल मदद का आश्वासन भी किया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा की टीम ने स्थान पर कई प्रदर्शनें भी की। यह शोभा यात्रा गोरक्षण से गीता मंदिर तक निकाली गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर इस शोभा यात्रा ने नागपुर के वातावरण को भगवा कर दिया। जय श्री राम जय श्री कृष्ण की घोषणा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।